हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कियारा आडवाणी इंस्पायर्ड लुक। तो ये लुक सेम नहीं है, कपड़े भी सेम नहीं है, बस मैंने ट्राई किया कि किस तरीके से उसका आई शेडो और फेस बेस जो है वो अचीव किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करने वाले हैं हम स्किन केयर, डॉट एंड की का ये टोनर। मैं ले रही हूँ पॉन्ड सुपर लाइट जेल, क्योंकि गर्मी है तो इसके लिए हमें थोड़ा मॉइस्चराइज़र ऐसा चाहिए जो कि लाइट वेट हो और जेल फॉर्म में हो। उसके बाद सीधे करेंगे आई मेकअप। तो इस आई मेकअप के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब देख सकते हो। तो इसमें ब्राउन शेड का वर्क है और ब्लैक स्मोकी नीचे गया है, अच्छे से ब्लेंड हुआ है। देंगे यहाँ कंसीलर। तो कंसीलर मैं ले रही हूँ लॉरियल पेरिस का इनफेलेबल फुल वेयर कंसीलर। मैं ले रही हूँ एक कंसीलर ब्रश और उसी से मैं अपने आईलिड पर इस कंसीलर को लगाऊंगी। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। ये है पीएससी का ब्यूटी ब्लेंडर, स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर। इसमें का आपको 5 पीस आ जाता है, मेरा शायद एक खो चुका है ब्लैक कलर वाला। और इसे भी ब्लेंड कर देंगे। इसमें ले रही हूँ मेकअप रिवॉल्यूशन का ये पैलेट। और ये पैलेट मुझे पहले नहीं पसंद आता था, जब मुझे इसका नॉलेज नहीं था तो मुझे लगता था ये बहुत ही पाउडरी है। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट भी लग रहा है। तो दोनों आईज़ की क्रीज लाइन पे हमें इस तरीके से ही राउंड मोशन में इसे ब्लेंड कर लेना है, डार्क ब्राउन शेड, और इसे अपने क्रीज लाइन पर लगाने जा रही हूँ। शिमर जो है सेंटर पे लगा दूंगी। यहीं पर मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। भाई बेब प्राइमर, और ये पोर्स को मिनिमाइज करता है, ब्लेंड अच्छे से होता है और हाइड्रेटिंग है। लीडर इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर शुगर कॉस्मेटिक ब्रांड, और इसे अपने हाइलाइटेड पॉइंट पर लगा दूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ फाउंडेशन जो कि रहेगा जस्ट हब और फॉरएवर 52। ये दोनों फाउंडेशन को मैं मिक्स करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी डार्क है, ये जो है मेरे स्किन टोन से काफ़ी लाइट है, एक डार्क शेड, और ये शेड नंबर है F003। तो बहुत ही कम क्वांटिटी इसका लेंगे इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट ले रही हूँ जस्ट टॉप, और उसी के ऊपर मैं इसे भी रख दे रही हूँ फ्लैट ब्रश। इसी से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हो ये कलर बन के आया है। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी कंसीलर। कंसीलर जहाँ पे हमने लगाया है वहीं पर ब्लेंड करना है, उसे उसकी जगह से हटाना नहीं है। अब वापस आते हैं हम आईज़ पर। तो आई मैं यूज़ करने जा रही हूँ फेसेस कनाडा काजल, और इसे मैं लगाने वाली हूँ पूरे अपने वाटर लाइन पर और लैश लाइन पर भी, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा ब्लेंड करना है, स्मोकी लुक देना है। काजल को ब्लेंड करने के बाद अब इसे सेट भी करना है। तो उसके लिए मैं सेम ब्रश से ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ और उसी पर डैप कर रही हूँ।
नेक्स्ट मैं करने जा रही हूँ आईलैश को कर्ल। यूज करूंगी स्विस ब्यूटी मस्कारा। वाली हूँ ब्लश, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर का ये 3-in-1 पैलेट, जिसमें आपको मिल जाते हैं ये 3 कलर, जो कि एक है ब्लश, हाइलाइटर एंड कंटूर। तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ आज ब्लश, और इस तरीके से बहुत ही लाइटली मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ। तो पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करने से आपका फेस ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने आज कोई भी लूज पाउडर यूज़ नहीं किया है। अभी मैं अंडर आई पे हल्का सा ही करूँगी। करी शुगर कॉस्मेटिक का ये आईब्रो पेंसिल, जो कि 03 वुडी स्कूबी। कियारा आडवाणी का जो आईब्रो है वो काफ़ी डार्क है, तो मैं भी अपने आईब्रोज़ को पूरी तरीके से फिल करने का ट्राई कर रही हूँ। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पफ, तो मैं लगाने वाली हूँ अंडर आइज पे। लगाने वाली हूँ लिपस्टिक, जिसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ इनसाइट का लिप लाइनर। लिपस्टिक के लिए मैं आप यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक न्यूट शेड, और काफ़ी प्यारा सा ये शेड है। लिपस्टिक के ऊपर मैं हल्का सा ये ऑरेंज शेड जो है वो लगाने वाली हूँ आई शेडो पैलेट में से, ताकि वो कलर जो है वो मैच कर जाए। और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ डव लिप बाम। फेसेस कैनेडा मेकअप फिक्सर, मुझे लगता है इसे ब्यूटी ब्लेंडर पे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि वैसे लगाने पे डॉट डॉट हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ब्लश कम लग रहा है, तो उसके लिए मैं जस्ट हब का ये लिपस्टिक ले रही हूँ और अब मुझे करना है बाल कर्ल और लगानी एक छोटी सी बिंदी। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये मेकअप लुक? तो पिछला जो मेरा कियारा आडवाणी का इंस्पायर्ड लुक था वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था, 30,000 या 33,000 समथिंग उस पर व्यू भी किया था। तो इस वीडियो पे भी आप सब मुझे उतना ही प्यार दो, और मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।